बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अदील और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो हम आपके लिए सेल परचेज की घरों की रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं, तो सोसाइटीज के रिलेटेड। तो आज हम मौजूद हैं, एक 5 मरले का घर है जिसमें हम आपको कम्प्लीटली विजिट कराएंगे। ये 5 मरले का घर और फ्रंट एलिवेशन से हम शुरू करेंगे और एंड तक छत पे जाएंगे। तो बड़ा खूबसूरत घर है, जोहर टाउन इसकी लोकेशन है, बड़ा खूबसूरत एम्पोरियम की बैक पे ये घर है। तो इसकी प्राइस भी शेयर की जाएगी, आगे जाके इसकी प्राइस भी शेयर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे सके। स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया है, आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इंतहा मुनासिब प्राइस पे ये घर मिल रहा है। और जोहर टाउन आपको पता है LDA की सोसाइटी है और यहाँ पे 5 मरले का घर है। मैं इसको विजिट करवा रहा हूँ, तो इसका फ्रंट एलिवेशन देखें, खूबसूरत मॉडर्न स्टाइल के साथ इसका फ्रंट एलिवेशन बनाया गया है। टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, साथ रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है। खूबसूरत लोकेलिटी पे घर है। रोड देखें, फुली कारपेटेड रोड है, साफ़ सुथरी रोड। और इस साइड से देखें तो यहाँ पे भी साफ़ सुथरी रोड है। तो आए हैं, उधर चलते हैं। ये गैराज है, गैराज के अंदर आपकी बड़ी गाड़ी इजीली खड़ी की जा सकती है। बड़े साइज में गैराज है, टाइल्स के साथ बड़ा खूबसूरत गैराज। और यहाँ पे आपकी सिटी होंडा स्विफ्ट वगैरह और GLA वगैरह आ सकती है। ऊपर देखें, सीलिंग देखें, लाइट फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं पूरे घर के अंदर। ये सामने निश बनाई गई है, डबल यूनिट घर है, टोटली जो है टाइल फ्लोरिंग घर है, डबल यूनिट घर है। ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए डबल किचन है, टोटली 5 बेडरूम्स हैं इसके अंदर। तो ये मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस हम घर के अंदर दाखिल होते हैं। ये हम टेबल लॉन्च के अंदर आ गए हैं, खूबसूरत टाइल्स के साथ, वाइट गरारा टाइल्स और ब्लैक कलर में टाइल्स लगाई गई है। यहाँ पे ऊपर सीलिंग देखें, शैंडलियर के साथ खूबसूरत शैंडलियर है। और इसके जो डोर की हाइट है वो है 8 फुट की हाइट रखी गई है डोर की। ये देखें, खूबसूरत सॉलिड कंस्ट्रक्शन की गई है। इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे मीडिया वॉल आती है, कैमरा इंस्टॉल्ड है पूरे घर के अंदर। ये सामने आपको डिस्प्ले नजर आ रहा है और यहाँ पे सामने डिश है, यहाँ पे इसके अंदर मिरर वर्क किया गया है खूबसूरत अंदाज के साथ, बड़ा जबरदस्त बनाया गया। और ये सामने आपको वॉलपेपर का इस्तेमाल नजर आता है, यहाँ पे आपकी LED भी लग सकती है, पॉइंट दिया गया है। इसी के साथ आते हैं ड्राइंग रूम पे, यहाँ पे ड्राइंग रूम का डोर देखें, खूबसूरत झुंपे और साथ ग्लास वर्क हाई खूबसूरत। और यहाँ पे आते हैं हम ड्राइंग रूम के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे नीचे गरारा टाइल्स और ब्लैक पट्टी के साथ टाइल्स दी गई हैं। यहाँ पे सामने देखें, बड़ी खूबसूरत वॉल बनाई गई है, वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है और साथ पीछे लाइट्स हैं, खूबसूरत लाइट। यहाँ पे ऊपर सीलिंग देखें, खूबसूरत सीलिंग। इसके साथ ड्राइंग रूम के साथ भी वॉशरूम दिया गया है, WC के साथ है। टाइल्स नॉर्मली जो है बाहर होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसके साथ दिया है, तो ये बड़ा अच्छा है। एक तरह का आप इसको रेंट पे अगर देते हैं तो बेडरूम्स भी बन सकते हैं ये। तो अभी हम चलते हैं बेडरूम के अंदर। आपको पता है LDA के रूल के मुताबिक अगर घर बनाया जाए, जोहर टाउन में एक ही बेडरूम नीचे बनता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी एक बेडरूम है। ये देखें, खूबसूरत 8 फुट पे जो है इसकी हाइट रखी गई है और सॉलिड कंस्ट्रक्शन की गई है बिल्कुल। देखें डोर, देखें डिजाइन, देखें लेटर डिजाइन का। और ये लॉक जो है ये भी बड़े खूबसूरत, और नीचे जो है टोटली टाइल है। यहाँ पे सामने वॉलपेपर आता है, खूबसूरत वॉलपेपर। यहाँ पे ऊपर शैंडलियर और खूबसूरत सीलिंग में। इस साइड पे कवर्स देखें, खूबसूरत कवर्स, लेटेस्ट नाइट की जो आजकल चल रही है वही यूज की गई है। और इसके साथ अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आता है खूबसूरत वेंटी टाइल्स देखें कबोर्ड के साथ। और ये एक्सेसरीज जो है वो लगाई गई है, बड़े खूबसूरत शावर एरिया और सारी चीजें। इसके बाद हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो लेडीज के लिए स्पेशली है, वो है किचन, जहाँ पे लेडीज का ज्यादा टाइम हो सकता है। तो हम आप दिखाते हैं किचन का। सबसे पहले डोर आपको विजिट कराया जाएगा, ये देखें डोर देखें खूबसूरत। और यहाँ पे नीचे टाइल, और यहाँ पे देखें किचन, देखें इलेक्ट्रिक हुड स्टोव इंस्टॉल है।
और ये कबर्ड्स देखें, आजकल के जो न्यू डिजाइन न्यू घर जो बन रहे हैं उनके अंदर यही कबर्ड्स यूज की जा रही है। इसी तरह की ये ओवन इंस्टॉल है, ये देखें दोनों। और उसके बाद नीचे कबर्ड्स खूबसूरत, ये यहाँ पे सिंक है, सिंक देखिए मूवेबल सिंक दो के साथ, यहाँ पे पीछे लॉन्ड्री एरिया दिया गया है। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, यकीन आपको ग्राउंड फ्लोर पसंद आया होगा। तो यहाँ पे जो है वो वर्मन स्पेस दी गई है, आप सब्जियों में यहाँ पे हीटर वगैरह रख सकते हैं। तो ये था ग्राउंड फ्लोर, यकीन आपको पसंद आया होगा। तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जी, अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स हैं सेपरेट, यहाँ से आप सेपरेट कर सकते हैं डबल यूनिट। आप यहाँ पे इसको पार्टीशन करें और आपका जो है वो रेंट पे पोर्शन हो जाएगा। यहाँ पे खूबसूरत मार्बल लगाए गए, साथ ये सेफ्टी के लिए भी लगाई गई है, और यहाँ पे वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया, खूबसूरत वॉलपेपर। तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के टीवी लॉन्च में। यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर के टीवी लॉन्च के अंदर आ गए, खूबसूरत बड़े साइज में टीवी लॉन्च है। ये सामने देखें मीडिया वाल, देखें बड़ा खूबसूरत मीडिया वाल, साइडों पे वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया, और ऊपर सीलिंग देखें, और ये माशाल्लाह खूबसूरत शैंडियर, ये मुख्तलिफ कलर्स में है, और यहाँ पे ऊपर रूफ लाइट है खूबसूरत लेटेस्ट डिजाइन की। ऊपर जो है वो टोटल 3 बेडरूम्स बनाए गए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बेडरूम विजिट करते हैं, इसकी भी हाइट 8 फुट है, और यहाँ पे नीचे टाइल देखें बड़े खूबसूरत अंदाज में टाइल, लेटेस्ट डिजाइन की टाइल्स है। यहाँ पे सामने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे जो है वो एलसीडी का पॉइंट भी दिया गया है। ऊपर सीलिंग है खूबसूरत रूफ लाइट के साथ, सीलिंग लाइट फैन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पूरे घर के अंदर। यहाँ पे सामने कबर्ड्स हैं खूबसूरत कबर्ड्स, ये हम आपको खोल के भी दिखाते हैं। तो अंदर स्पेस देखें काफी जो है वो, यहाँ पे आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, ये मैंने करके आपको भी समझा है। उसके बाद जो है हम वॉशरूम्स के अंदर चलते हैं, तो सामने आता है वेंटी आती है खूबसूरत टाइल्स के साथ, वेंटी है यहाँ पे सामने, डब्ल्यूसी है और टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये सामने शावर एरिया है बड़ा खूबसूरत, ये पीछे टैंकी का पॉइंट दिया गया, और सोनिक्स की चीजें लगाई गई हैं जो कि एक एक्सेसरीज के अंदर ब्रांड है। तो अभी हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम के अंदर, ये सामने सेकंड बेडरूम आता है, यहाँ पे भी उसी तरह की टाइल्स लगाई गई है जैसे हमने सात वाले बेडरूम में देखी है। यहाँ पे सामने वॉलपेपर है खूबसूरत वॉलपेपर, और ये सामने आपका एलसीडी को पॉइंट दिया गया है, और ऊपर सीलिंग देखिए खूबसूरत डिजाइन सीलिंग, और इसके साथ भी कबर्ड्स दी गई है। यहाँ पे सामने कबर्ड्स हैं उसी तरह के सेम कबर्ड्स हैं जैसे सात बेडरूम की थी। ये सामने वॉशरूम आता है इसका, बैटरी और कमोड के साथ है, यहाँ पे सामने ये वेंटी, और इधर का मोड आता है खूबसूरत टाइल्स के साथ, ये सामने शावर एरिया है। तो अभी हम चलते हैं थर्ड बेडरूम के अंदर, और ये सामने थर्ड बेडरूम आता है, ये खूबसूरत टाइल्स के साथ है, और ये यहाँ पे सामने वॉलपेपर, ऊपर खूबसूरत सीलिंग रूफ लाइट के साथ सीलिंग है। तो अभी हम चलते हैं वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम देखिए कमोड के साथ है, और सामने जो है खूबसूरत शावर एरिया टाइल्स लगी है बड़ी खूबसूरत। तो अभी हम चलते हैं किचन के अंदर, यहाँ सामने किचन है, ये देखें दो कॉम्बिनेशन के अंदर किचन बनाया गया है, इलेक्ट्रिक कोड स्टोव इंस्टॉल है, ये ऑन हो गया और यहाँ से ऑफ है, ये लाइट वगैरह स्टोव इंस्टॉल, और ये सामने सिंक है आपका, ऊपर सीलिंग दी गई है, ये साथ जो है वो इस साइड पे फ्रिज का पॉइंट है, और यहाँ से पीछे लॉन्ड्री की बाय लॉन्ड्री के तौर पे आप यूज कर सकते हैं टेरेस की तरफ जाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं छत पे, यहाँ पे मार्बल और साथ सेफ्टी के लिए ग्रिल लगाई गई है। तो ऊपर जो है बम्पी और साथ बेडरूम, ये सामने दो बेडरूम है, ये फर्स्ट बेडरूम, अब ये टोटल फिफ्थ बेडरूम हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें खूबसूरत टाइल्स लगा रही है, यहाँ पे भी सामने कबर्ड्स और इसके साथ अटैच वॉशरूम है, खूबसूरत
डब्ल्यूजी के साथ यहाँ पर टाइल्स लगाई गई है और ये सामने बेसन देखें, ये सामने शाम खूबसूरत शावर एरिया। तो अभी हम चलते हैं सामने बेडरूम के अंदर, वो भी काफी बड़ा बेडरूम है। यहाँ पे देखें सामने टाइल्स आती हैं और ये सामने कवर्स दी गई हैं, स्टोर के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं छत पे, तो आगे जाके इसकी प्राइस भी शेयर करूंगा। यहाँ पे छत है, छत के ऊपर मार्बल लगाया गया है, तो काफी बड़ी छत है। तो ये सामने आपने देखा है कि ये सामने एम्पोरियम मॉल है के पीछे जो है वो बिल्डिंग बन रही है, और ये पीछे ये सामने एम्पोरियम मॉल वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो यकीनन ये आपको घर पसंद आया होगा। तो इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो मालिक ने इस घर की डिमांड की है 2,90,00,000 रुपया, 2,90,00,000 रुपये इस घर की डिमांड है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया है, अगर आप इस घर को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी इस घर को परचेज़ करे अल्लाह ताला उसको इस घर के अंदर खुशियां अता फरमाए, ढेरों खुशियां अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें दें नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।